हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ ओजस्विनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्पाइस एंड सीजर्स पर। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो आप एज अ स्टार्टर और एज अ मेन कोर्स दोनों ही तरह खा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी रैप्स। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज, 200 ग्राम पनीर का चूरा, एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच कटा हुआ अदरक लिया है। आप अगर चाहे तो इसके बदले आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद अनुसार हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच जीरा और तेल या बटर। सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर को गरम कर लेंगे। अगर आप चाहे तो पूरे 2 चम्मच तेल या पूरे 2 चम्मच बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम हो जाने के बाद हम उसमें जीरा और बारीक कटा हुआ प्याज डालकर उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। याद रखें, हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज सुनहरे नहीं हो जाते। ये करते समय गैस की आंच लो टू मीडियम रखें। प्याज सुनहरे हो जाने के बाद हम उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च के टुकड़े डालकर उसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ मैंने हरी मिर्च के टुकड़े बड़े रखे हैं क्योंकि उन्हें मुझे बाद में निकालना है। इसे करीबन 30 सेकेंड्स तक भून लें। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह पका लेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन के कुछ छोटे टुकड़े ऐड किए हैं क्योंकि इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले से ही अदरक लहसुन की पेस्ट डाली हुई है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर जल्दी पक जाए और इसे ढककर करीबन 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। हमारे टमाटर पककर तैयार है। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। अब इसे अच्छी तरह मिला ले। अब हम इसमें करीबन 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे। अब इसमें पनीर का चूरा डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह पनीर के साथ मिल जाने चाहिए। इसे करीबन 1 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें। उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें और इसे आधे मिनट के लिए और पका लें। उसके बाद अब इसमें धनिया पत्ता डालें और उसे अच्छी तरह मिला लें। अगर आप चाहे तो इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का रस ऐड करें, उससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है। यहाँ पर हमारी भुर्जी रेडी है। इसे मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है। ये कॉर्नफ्लावर की पेस्ट है। यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी लिया है और ये उड़द दाल के पापड़ है जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो लिज्जत पापड़ होते हैं या कोई भी उड़द दाल के पापड़ आप यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे पहले हम इस पापड़ पर थोड़ा पानी डालकर उसे अच्छे से गीला कर लेंगे और फिर हमें इस पापड़ को हल्के हाथों से बेलना है। आप देख सकते हैं ये पापड़ अच्छे से नरम हो गया है। अब हम इसे आसानी से फोल्ड कर पाएंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच पनीर भुर्जी डालेंगे और कॉर्नफ्लोर पेस्ट की मदद से इसे चारों ओर से बंद कर लेंगे।
अगर आपको लगे कि इसमें कहीं बारीक छेद है तो आप उसे भी कॉर्नफ्लावर पेस्ट की मदद से बंद कर सकते हैं। इसी तरह हम और रैप्स बना लेंगे। एक पैन में तेल को गरम करेंगे और उसमें इसे शैलो फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इसका कवर सिर्फ पापड़ का है और इसके अंदर की जो भुर्जी है वो पहले से हमने पका ली है। इसे चारों तरफ से अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से सुनहरे हो चुके हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। और ये हमारे पनीर भुर्जी रैप्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी भुर्जी के रैप्स नहीं बनाए हैं। अगर आप सारी भुर्जी के रैप्स बनाओगे तो आपके करीबन 6 से 8 रैप्स आराम से बन जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके रिव्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत टेस्टी बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी सेफ।